अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपको याद होगा कोई महीना डेढ़ पहले मैंने एक पौधे की वीडियो शेयर की थी यहीं खड़े होके, और बताया था कि ये एक लावारस पौधा है। मैं बाहर वॉक कर रहा था कॉलोनी अपनी में, और जो बड़ी कम्युनिटी की डस्टबिन होती है उसके पास एक खुश्क मट्टी और प्लास्टिक का पॉट और उसके ऊपर एक पौधा था जिसके पत्ते बिल्कुल खुश्क हो चुके थे और ब्राउन हो गए थे, और उसको कोई वहाँ पर रख गया था, यानी कि लावारिस करके छोड़ गया था, यानी कि अपनी तरफ से उन्होंने ये समझा कि ये फौत हो चुका है। मेरे दिल में ये आया कि मैं इसको घर ले जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ये इट कम्स बैक टू लाइफ। तो और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसके पार्ट टू में मैं आपको इसकी अपडेट दूँगा। ये देखिए जी, ये माशाल्लाह ये वही पौधा है। इसकी तीन चार टहनियाँ थीं और मैंने क्या किया कि उसको वो नीचे से बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, उनको काट के उनकी मैंने कुछ कटिंग्स भी लगाई हुई हैं। ये देखें फिजान, यहाँ भी लगाई है एक कटिंग मैंने, यहाँ इसके अंदर लगाई है दो। और एक और मज़े की बात, इधर लाए बेटा ये दिखाएं। ये देखें जी, एक कटिंग ये लगाई थी, ये स्प्राउट कर गई है माशाल्लाह बेहतरीन, और ये नया पौधा बन जाएगा। ये मोस्ट सी जगह थी यहाँ पर, ये पीट मॉस के अंदर पौधा चल रहा है। और मज़े की बात यह है कि ये देखें, ये टहनियाँ भी तकरीबन अब ग्रीन हो गई हैं और नया पत्ता निकलना शुरू हो गया है, यानी कि अगर ये इनको हम काट के और कटिंग्स भी लगा दें तो ये अब नीचे से नया पौधा जो है ना दोबारा से निकल चुका है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और आपको भी सुन के ये बहुत खुशी होगी कि ये वही लावारिस पौधा जो तकरीबन मरा हुआ बाहर छोड़ गए थे कोई जो भी इसके ऑनर थे। तो अगर वो मेरी वीडियो देखें और या फिर पौधे को वापस लेना चाहें तो दे आर मोस्ट वेलकम। इसको थोड़ा और हरा भरा होने के बाद मैं उनको वापस भी कर सकता हूं, और अगर वो मेरी वीडियो उन तक ना पहुंच सके तो इंशाल्लाह ये इस पौधे की मैं हिफाजत करूंगा, ख्याल करूंगा। ये थोड़ा जब बड़ा हो जाएगा फिर आपको अपडेट दूंगा और इसको रखूंगा मैं अंदर। और बहुत प्यारा पौधा है। तो अगर कोई आप इस तरह का पौधा देखें किसी के घर में जाएं और वो पौधे को पानी नहीं दे रहे, पौधे का ख्याल नहीं रख रहे, आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाईजान, बजाय इसके कि आप इसको अल्टीमेटली मरने के करीब हो के या मरने के बाद आप डस्टबिन की नज़र कर दें, आप ही हमें गिफ्ट कर दें या इसको ख्याल करना शुरू कर दें, पानी शानी दें और इसका ख्याल रखें। इस तरह से जो है ना ये पौधे, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये इट हैज़ कम बैक टू लाइफ। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, एंड गुड इवनिंग, हैप्पी गार्डनिंग।